मैं ग्वालियर का एक आम लड़का जो धारा 498 है, जिसे एक्ट ऑफ क्रूअल्टी भी कहते हैं, उसके अंतर्गत पिछले 20 घंटे से इस पुलिस स्टेशन में बैठा हूं और ये सोच रहा हूं कि आखिर गलती थी किसकी। बैठो पापा। पुलिस वालों को जो करना था उन्होंने कर दिया। मेरे बाप को मारा, मेरी माँ को मारा, मेरी बहन को मारा। बचाओ अम्मा, बचाओ अम्मा। किसकी गलती थी? मेरी, किसकी गलती थी? मेरी गलती थी, मेरी गलती थी। गलती किसकी थी? मेरी, किसकी गलती थी? हाय हाय, दीदी को हाथ मत लगाइयो, हाथ मत लगाइयो।
अरेंज मैरिज करवाई थी बच्चे की। लड़की के माँ बाप रिश्तेदारी में थे, जल्दबाजी में शादी करनी थी उनको, क्योंकि लड़की के पिताजी हॉस्पिटलाइज थे और कुछ दिन के मेहमान। जल्दी से मंगनी कर दी और 10 दिन में शादी। शादी के 1 महीने बाद लड़की के पिताजी का स्वर्गवास हो गया और उसके कुछ दिन बाद पता चला कि लड़की का शादी से पहले किसी के साथ अफेयर चल रहा था। पर मुद्दा तो कुछ और था। देखो साहब, ऐसा है, तुम्हारे लौंडे पे लग गई है 498। अब तुमने लड़की को मारा हो चाहे नहीं मारा हो, दहेज लिया हो चाहे नहीं लिया हो, केस हो गया, FIR हो गई है। अब क्या है, अपने देश में तो क्या है, मर्दों के लिए कोई कानून बना नहीं है। अब केस क्या है, जाएगा कोर्ट में, हैं? और कोर्ट में तो आप जानते हो अच्छे अच्छों की निपट जाती है। मेरी मानो, जो कुछ है ले दे के बराबर कर लो। क्या है जो केस वैसे चक्कर में आपके लौंडे की जिंदगी और ख़राब हो जाएगी, क्या समझ रहे हो? अनुराग, अबे क्या कर रहा है तू, है पागल हो गया क्या? कर क्या रहा है तू? अगर मैं मर जाऊं और ये लिख के मरूं कि पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया, तो क्या पुलिस वालों पे केस होगा? क्या पागलबंदी की बात कर रहा है, दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? ओ हेलो, ए तेरे ऐसे मरने वाले न जाने कितने हैं यहाँ। मैं तेरा बाप शरीफ है, इससे मदद कर रहा हूँ मैं। साहब ये तो कुछ और ही नाटक चल रहा है यहाँ। अगर आपका नाम लिख के मरूं तो आप पे केस होगा। कैसी बकवास कर रहा है? माफ करना साहब, इसका दिमाग खराब हो गया। खड़ा हो जा। सुन बेटा, ऐसा तो कुछ नहीं करेगा। ठीक है, नहीं करूंगा। लवर है उसका, उठा लीजिए उसको और करिए पूछताछ। इसका लड़के का ख्याल रखो, पागल हो गया ये। मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। आप परेशान मत हो, मैं करके बताता हूँ। साले विपिन ने नित्या से कह के मुझ पे झूठा केस करवाया और इन दोनों के चक्कर में मेरी जिंदगी की लग गई। नहीं की बात कर रहा हूं, जानता है कि नहीं जानता? जी मैम। जी मैं इनको, जी मैं, मैंने बोला ना आपसे वो नहीं जानता। अब आप जाइए यहां से। कौ? जे बच्चा जो तेरी नेतागिरी की जरूरत है, बोल बे, जानता है कि नहीं? इसे को नहीं जानता। विपिन के ना करने के बाद नित्या अपनी माँ के पास सहारा ढूंढने वापस आ गई। अब अपनी माँ के पास ना जाती तो और क्या करती?
हमाना मैं एक आम लड़का हूं, पर नित्या का तो सब मैं ही हूं ना। नित्या कहां है? मां नित्या कहां है? ऊपर है। पुलिस वाले का फोन आया था आज मेरे पास, बताया उसने मुझे सब। नित्य कल रात जो कुछ भी हुआ वो सब गलत हुआ। मैं तो सिर्फ तुमसे बात करने आया था, तुम पे हाथ उठाने नहीं आया था। देखो गलती हम दोनों की है, और वो विपिन मुझे भूलने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन मैं भूल जाऊंगा और तुम भी भूल जाओ। नित्या मैं लवर नहीं हूं तेरा, पति हूं। घर चलो। नित्या के साथ 2 महीने गुजर गए, पर विपिन अभी भी हमारे बीच में था। ना मैं सब भुला पाया था और ना ही हम एक दूसरे को पूरी तरह अपना पाए थे। परसों शादी है विपिन की, बहुत बड़ी बेवकूफ हो तुम। जब उसने एक बार तुम्हें शादी करने से मना कर दिया था तो तुमने दोबारा उस पर विश्वास कैसे किया? तुम्हारे मासूम होने का फायदा उठाया उस हरामजादे ने। गुस्सा नहीं आता तुम्हें? गलती तो की है ना उसने, सजा उसे मिलनी चाहिए। तुम ऐसे ही जाने दोगी उसे?
हम लॉ को नहीं समझे या अपने माँ बाप को नहीं समझा पाए, और क्या जो हुआ वो अच्छा हुआ। लो साहब ये पंचनामा साइन कर दो। वैसे जो हुआ सो अच्छा ही हुआ है, है कि नहीं? करावा ही करते हैं। तो चलो फिर शादी की तारीख तय कर लेते हैं। एक सेकेंड, क्या ये शादी आपकी मर्जी से हो रही है? आप पे किसी तरह का दबाव तो नहीं है ना? अगर आप चाहती हैं तो हम अकेले में बैठ के बात कर सकते हैं। अरे बेटी है हमारी, कोई बोझ थोड़ी है, हम क्यों दबाव डालेंगे? क्या आप ये शादी करना चाहती हैं? हाँ, शादी की तारीख है। आप पे कोई दबाव तो नहीं है ना?